नकली साहब। अब और समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं? जी भैरानी, कालो की सारी पौराणिक किताबें पढ़कर मैंने पता लगा लिया है कि उस उद्वंशक की वो क्या है, कमजोरी। ये इत्र भैरानी, ये इत्र कालोक में पाए जाने वाले खास नागकनों के फूलों का रस। नन्नी उंगली की कसम भैरानी, एक एक बूंद मैंने अपने हाथों से पीस पीस कर निकाली, पीस पीस कर। सेवक तो तुम काम के हो जब दारी, और कभी कभी काम अच्छे भी कर लेते हो। अब तुम जल्दी से काल लोक लौट जाओ और जाकर काल स्नान की तैयारियां करो। जल्दी ही लौटूंगी नन्हे बालवीर के साथ। गोपू सुतली, तुम लोगों ने कभी नाचता हुआ तरबूज देखा है? नाचता हुआ तरबूज? सुतली आज देखना ये तरबूज कैसे सांप को देख के कूद कूद के नाचेगा, कूद कूद के। तो इनकी बैंड बजेगी। चल बोलो, नहीं सुनो, सब सुन लिया है मैंने। उस बेचारे चिंटू को तूने नाश्ता हुआ तरबूज बोला? सबको तंग करना हॉबी है क्या तेरी? नहीं नहीं मम्मी, मैं चिंटू जैसे क्यूट बच्चे को नाश्ता हुआ तरबूज क्यों बोलूंगा? और किसी को तंग करने तो मैंने आज तक नहीं सोचा। अच्छा हाँ, तो फिर ये हाथ में सांप लिए कहाँ घूम रहा है तू? क्यों घूम रहा है हा? इसे दूध पिलाना है। अगर मैं उद्वंशक होता तो चकमा देने के लिए छोटा हो जाता या रूप बदल लेता। मिलूंगा नहीं तो दिखूंगा भी नहीं। कहीं उस उद्वंशक ने नकली सांप का रूप तो नहीं लिया? सुनो, नहीं बोलो बोलो, पता क्यों तूने फिर से सांप पकड़ा? वो बोल। मम्मी मैं तो वो सांप देखने ही जा रहा था। चिंटू बेचारा वो वापस देखेगा तो वो डर जाएगा ना, इसलिए। अच्छा। अरे तुम फिर से आ गए, जान बचाने ही आए होंगे? नहीं। अरे चुप कर तू। किसकी जान बचाने हो? अरे चुप। सुनो देख, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम इसे समझाओ ना, मैं तो थक चुकी हूँ इसे समझा समझा के। इसे बालवीर की कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। हाँ, इसे सीख दो ताकि ये लोगों को परेशान करने की बजाय उन्हें उनकी मदद करे। मम्मी पर बालवीर जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो उसकी सीख कहाँ से होगी? तू चुप कर। देखिए देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। सच में? हाँ, लेकिन शुरुआत मेरे इस लड़के से करना, ठीक है? इसे समझाओ, इसे सीख दो, ठीक है? ओलो, मैं भी सलमान भाई की तरह आई मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। वो सांप कहाँ है? कहाँ गया वो बदमाश उद्वंशक? कहाँ ढूंढूं उसे? अगर उसे उत्तराधिकारी मिल गया तो फिर इस दुनिया की रक्षा कौन करेगा? अरे मेघा जी, इसे ढूंढ रही है। मैं वो गिर पड़े, हाँ हाँ गिर पड़े तेरे प्यार में।
चलते चलते यूं ही गिर जाता हूँ मैं। That is why I am गिर पड़े। वो इलायची में बिरयानी, मेरा मतलब है बिरयानी में इलायची मुझे पसंद नहीं। हाँ, बड़ी बिरयानी पका रहे हो आप आजकल? कौन मैं? नहीं तो नवरात्रि में कहाँ बिरयानी, हो ही नहीं सकती। नहीं। हाँ आ रहा हूँ, कोई मुझे बुला रहा है। नजर रखनी पड़ेगी। वो सांप कहाँ है? ओए लो भाई, क्या इंटरेस्ट क्यों है तुम्हें इस नकली सांप में? पहले मुझे ये बताओ, जब से आए हो हर चीज में पंचायती करते जा रहे हो, आखिर चक्कर क्या है? देखो, तुमसे बहस करने का ना ही मेरे पास समय है और ना ही धैर्य। मुझे बताओ कि वो सांप कहाँ है, क्योंकि तुम जिसे नकली सांप समझ रहे हो शायद वो नकली सांप ना हो। नहीं, ये हवा में नहीं किसको बोला, सॉलिड चश्मा लगाया आपको तो। परी तारा को फिर से जागृत करना तो बहुत मुश्किल है, आपके पास इसका क्या उपाय है? उपाय मेरे पास है। किधर गया वो साहब, ऐसे घूर क्या रहे हो? इसलिए घूर रहा हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा अजीब इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कभी पानी से बात करते हो, कभी हवा से बात करते हो, कभी तुम्हें नकली सांप असली लगता है। सांप के बारे में तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे बताओगे कि तुम सच में हो कौन। हाँ, बताओ। ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं देव नहीं बालवीर हूं। अधिकारी को तोबा तोबा, लालच ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। सवाल काल गुहार ग्रह के मिलने का है। बालवीर का उत्तराधिकारी है तो सबसे ज्यादा तगड़ा होगा, आम बच्चों से ज्यादा हट्टा कट्टा होगा, शक्तिशाली होगा, पर वो होगा कहाँ? शक्तिशाली लड़का तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कुतुब मीनार खा जाएगा। यही है, यही है। तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, मैं अभी नाश्ता करने में बिजी हूँ। जिसके नाश्ते में 10 बच्चों का पेट भर जाए वही हो सकता है नया बालवीर। नाश्ता करो, नाश्ता करो। नाश्ता करना अच्छी बात होती है सेहत के लिए। ये लो, अरे वो फल छोड़ दो, ये मिठाई खा लो। खाओ 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 आराम से। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी
ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के रखवाले हो और तुम्हारा जन्म बहुत बड़ा काम करने के लिए हुआ है। हमें क्या लगता है? मुझे लगता है बालवी को हटा के मुझे ही बना देना चाहिए दुनिया का नया रखवाला। अरे हाँ, मेरे पास तो घर पे बालवी का कॉस्ट्यूम भी रखा है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब मुझे बताओ वो सांप कहाँ है। किसी को मत बता। ओ भाई, किसी को बताने लायक बात ही नहीं है ये। सब तुम्हें झूठा ही समझेंगे जो मैं समझता हूँ, क्योंकि बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता। और रही बात सांप की, वो तो फेंक दिया। तो बताओ तुम्हारी माँ ने वो सांप कहाँ फेंका है? इन मजा की बुला लो, तुम्हारे लिए तो वो नकली सांप असली है। क्या पता शायद आ भी जाए। बालवीर के उत्तराधिकारी का हश्र तय करने का हक सिर्फ मेरा है, ना उध्वंसक का और ना ही खुद बालवीर का। इसलिए जो बीच में आएगा मरेगा। कुछ कह नहीं सकते ज्वाला परी, लेकिन नए बालवीर तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। उध्वंसक है तो सांप ही, पृथ्वी पर सांप को बिन मजाक ही बुलाया जाता है। फिर से इस बदमाश लड़की की मदद लेनी पड़ेगी। एक बार मेरा उत्तराधिकारी मिल जाए, फिर इस बच्चे से कभी नहीं मिलूंगा। धोनी परी, अब जहां कहीं भी जल्दी ही यहां आइए। परियो, उध्वंसक मेरी नजरों के सामने है, मेरे पास आओ। परियो, मुझे कवर करो ताकि कोई भी मुझे उध्वंसक को पकड़ते हुए देख ना सके। परियो, उध्वंसक मेरे कब्जे में, उसे यहां से दूर ले जाना होगा।
तूने दिल से तो नहीं बुलाया, लेकिन बालवीर आया, बहुत परेशान किया है तूने हमें। लेकिन अब तू मेरे उत्तराधिकारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे सामने। बालवी, तुम अकेले नहीं हो बालवी। नेत्र परी, अब यहाँ तुम कमजोर हो रहे हो बालवी, और ऐसे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये उद्वंशक बहुत शक्तिशाली है, हमें इसका मुकाबला मिलकर करना होगा। लेकिन सही कह रही थी नेत्र परी, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा, बहुत शक्तिशाली और धीर है ये। चिंता मत करो बालवी, तुम ही तो कहते हो ना एकता में बहुत शक्ति है, हम दोनों को इसका मुकाबला करना होगा। अब मैं इस उद्वंशक को नहीं छोड़ूंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।